कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार जैसे ही गिरी, मध्य प्रदेश में इसका झटका सबसे पहले महसूस किया गया। कमलनाथ सरकार बीएसपी और एसपी विधायकों की बैसाखी पर टिकी है और उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि अगर निर्दलीय या फिर बीएसपी एसपी के विधायकों ने कुछ खेल किया तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी चिंता को कंप्यूटर बाबा ने अपने सियासी की बोर्ड से दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने सियासी की बोर्ड में ऐसा बटन दबाया है कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। कंप्यूटर बाबा का दावा है कि उनके संपर्क में बीजेपी के 4 विधायक हैं जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि जब कमलनाथ कहेंगे तब वो 4 नाराज विधायकों को सामने ले आएंगे। कंप्यूटर बाबा ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब बीजेपी पहले से ही 2 बागी विधायकों की वजह से टेंशन में है। दरअसल गुरुवार को जब सदन में एक विधेयक को पास कराने के लिए वोटिंग हुई तो बीजेपी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया और अब कंप्यूटर बाबा ने ये दावा ठोक दिया है कि बीजेपी के 4 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये मोदी और अमित शाह के लिए बड़े टेंशन की बात है। अब अंदर खाने ये पता लगाने की कोशिश शुरू हो गई है कि आखिर वो 4 विधायक कौन हैं जो मोदी शाह को परेशान करने में जुटे हैं। कंप्यूटर बाबा के इस बड़े दावे के बाद कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि अब बीजेपी कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने का हूल नहीं दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी खुद परेशान है कि कौन से विधायक पार्टी छोड़ने की कगार पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।